नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां के कविता को ईडी ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। दरअसल ईडी ने 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की है। के कविता ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। जमानत अर्जी का ईडी ने विरोध किया है और 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की गई है। तो बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अब उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया है। बता दें कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद के कविता ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी और उसका विरोध ईडी ने किया है। दरअसल 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की गई है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में के कविता को पेश किया गया है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की है। हालांकि के कविता ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी और इस दौरान ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से की है। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली नई शराब नीति घोटाला मामले में सियासत एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। के कविता को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाला मामले में और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। के कविता ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। हालांकि जमानत अर्जी का ईडी ने विरोध किया है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट में की है।